हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीए ट्यूटोरियल्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्सेन 785 राउंड की प्रॉब्लम सी, जो कि बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, जो कि है पैलिंड्रोम बेसिस प्रॉब्लम नेम था, बट ये अनबाउंडेड नैपसैक टाइप प्रॉब्लम है। तो उससे पहले मैं हल्का सा डिस्कस करूँगा कि अनबाउंडेड नैपसैक क्या होता है। सो ये कॉइन कॉम्बिनेशन 2 जो प्रॉब्लम है, CACS प्रॉब्लम सेट का सिमिलर प्रॉब्लम है। इसमें आपको एन कॉइन दिया होगा और आपको यू कैन प्रोड्यूस ए मनी सम एक्स, आपको बताना है कि नंबर ऑफ वेज टू प्रोड्यूस एक्स। सो लेट्स से कि वन मिनट प्लीज। सो आपको दिया होगा कि क्वाइंस, लेट्स से कि एक एरे दिया होगा क्वाइंस का, कि आपके पास अवेलेबल क्वाइंस क्या क्या है, राइट? 2, 3, 5, 7, लेट्स से ये सारे क्वाइंस है, 11 इस टाइप के क्वाइंस है आपके पास, 15, राइट? और आपको बताना है कि सम एक्स कितने वेज, नंबर ऑफ वेज से आ सकता है। तो आपने नैपसैक नाम सुना होगा, तो स्टैंडर्ड डीपी का है। और डीपी में हम क्या रिकर्सन देखते हैं, कि क्या रिकर्सिव पैटर्न फॉलो हो रहा है। और ये स्टैंडर्ड टाइप प्रॉब्लम है, एक बार आपको अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे होगा नहीं, तो आपको अगर ये प्रैक्टिस हल्का सा करेंगे तो समझ आ जाएगा कि कैसे करते हैं। थोड़ा वीडियो मुश्किल भी लग सकता है, क्योंकि अगर आपने डीपी के प्रॉब्लम या रिकर्सन अच्छे से सॉल्व नहीं कर रखा है तो थोड़ा मुश्किल आ सकता है। तो उसके बारे में आप चिंता ना करें, मैं ट्राई करूँगा इजीली वे में समझाने का। सो लेट्स से कि अगर मेरे पास एक सम क्रिएट करना है, और इसमें से मैं एक 2 रुपीज़ कॉइन उठाता हूँ, लेट्स से 2 रुपीज़ कॉइन मैं लेता हूँ, तो अपने पास सम बचेगा कितना, एक्स माइनस 2 बचेगा, जो कि अपने को क्रिएट करना रहेगा, राइट? लेट्स से अगर हमारे पास, अगर मैं इसमें से मैं 2 रुपी कॉइन की जगह 7 रुपीज़ कॉइन उठाता, तो मेरे को एक्स माइनस 7 क्रिएट करना होता। तो इससे भी पहले आप इसी प्रॉब्लम का एक और वेरिएशन जो है कॉइन कॉम्बिनेशन 1 वो देखे पहले, तो उस पर मैं आता हूँ तो हल्का सा। तो इसमें भी आपको एन नंबर कॉइन दे रखा है इस कॉइन, और आपको भी एक्स करना है, बट नंबर ऑफ वे बताना है, और इसमें ऑर्डर नहीं है। जैसा आप कोई से भी ऑर्डर में मनी, कोई से भी ऑर्डर में कॉइन ले सकते हैं, राइट? सो लेट्स से कि आपको एक्स क्रिएट करना था, तो या तो आप 2 कॉइन ले, उसके बाद 3, लेट्स से आपको 5 रुपी कॉइन करना है, 5 रुपी करना है, तो 2 ले, 3 ले, 3 ले, 2 ले, जो कि पहला प्रॉब्लम है। उसमें ये दोनों दो अलग अलग वेज है, बट जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कॉइन प्रॉब्लम 2 जो था, उसमें क्या है कि अगर हमने 2, 3 लिया तो 3, 2 नहीं लेना है, लाइक कॉइन ऑर्डर मैटर करेगा। मैटर इन P2, लेट्स से मैं प्रॉब्लम 2 कह रहा हूँ, P2, राइट? तो अगर हम DP जब डिफाइन करेंगे, तो अगर हम पहला क्वेश्चन P1 में आते हैं, तो हमने DP एक्स डिफाइन कर दिया, और इसमें से कोई सा भी मैं कॉइन चूज करूँगा, लेट से इस कॉइन की वैल्यू P है, तो DP ऑफ एक्स माइनस P ऐड हो जाता। तो क्या हो जाता कि अगर हम जो कॉइन यूज कर सकते हैं फॉर I इज टू कॉइन्स, मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, सो कौन सा भी कॉइन यूज कर सकते हैं, तो इसमें से DP एक्स प्लस इक्वल टू DP ऑफ एक्स माइनस P, राइट? ऐसा हो जाता। बट इस केस में क्या है, अपने को ऑर्डर भी गिवन है P2 में, कि अगर हमने कॉइन, लेट से कि अगर मैं सॉर्टेड ऑर्डर में लिखूं फिर से 2, 3, 5, 7, तो अगर हमने 2, 3 यूज कर रखा है, राइट? 2, 3 से जितने बनने वाले हैं उसे हमने कंसीडर कर रखा है, हम फिफ्थ कॉइन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस पर सोच रहे हैं, तो बाकी 2, 3 पे नहीं देखेंगे, क्योंकि 5 से पहले 2, 3 यूज होगा अपना, राइट? तो इसको ऑर्डर्ड अनबाउंडेड नैपसैक आप कह सकते हैं। जो पिछला प्रॉब्लम था उसे अनबाउंडेड नैपसैक कह सकते हैं। अनबाउंडेड मतलब आप अनबाउंडेड का मैं मीनिंग भी बता दूं, तो लेट्स से कि ये वाला कॉइन अगर आप हर एक जो कॉइन है एक बार ही यूज कर सकते हैं, ओनली वन टाइम, तो ये हो जाता बाउंडेड नैपसैक, कि आपके पास बाउंड्री है कि एक बार आपने यूज कर लिया उसके बाद नहीं यूज कर सकते। बट अनबाउंडेड में आप ये कॉइन कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, राइट? अनबाउंडेड में आप
मेनी टाइम्स यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि अपने पास 2, 3, 5, 7 कॉइन, 9 कॉइन रहता, राइट, और हमने हमें बनाना है 12 स्कोर, राइट, 12 स्कोर क्रिएट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि लेट्स से हम बात कर रहे हैं बाउंडेड की, तो 2, 5, 7, सॉरी 2, 3, 7 या फिर 5, 7 क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो अगर लेट्स से कि मैंने, राइट, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 5 यूज कर सकता हूँ या नहीं, राइट, इस केस में जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ 5 और 7 है, तो अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि 5 है यूज कर रहा हूँ या नहीं, तो मैं 2, 3 यूज कर चुका हूँ, या तो नहीं यूज किया हूँ या कुछ भी। अब मेरे को 2, 3 नहीं सोचना है कि 2, 3 पे क्या है, राइट। तो मैं अगर इस लेवल पे हूँ तो अपना ये पता है कि इन कॉइन से मैं डन हो चुका हूँ, राइट। लेट्स से मैं इस केस में आता हूँ, अगर मैं 7 पे सोच रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल में मैं 7 के बारे में सोच रहा हूँ कि इस सम में मैं लूँ या नहीं, इसे इंक्लूड करूँ या नहीं, तो 2, 3 या 5 के बारे में मुझे सोचना नहीं है क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। तो यह रिकर्सन है और ये ऑर्डर इसी के कारण है ये, कि अगर मैं 7 पे हूँ तो मैं 2, 3, 5 का देख चुका हूँ, अब मेरे को 2, 3, 5 अगली बार नहीं लेना। ऐसा नहीं करना कि 7 के बाद मैं फिर से 2 लूँ, राइट। अगर मेरे को 2 लेना रहता तो मैं 2, 2, 3, 7 लिया रहता, राइट। तो इस वजह से ये ऐसा है कि रिपीटेशन अलाउड तो है, बट इस केस में लाइक अनबाउंडेड में, लेट्स से अनबाउंडेड में अगर मेरे को रहता तो मैं 2, 2 ले सकता हूँ, बट ये है कि ऑर्डर्ड ये रहता, ये अनऑर्डर रहता, ये ऐसा इंक्लूड नहीं है, राइट। तो इसमें आपने को देखना होगा कि जब मैं डीपी डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये लेट से मैं लेवल डिफाइन करता हूँ कि मैं कहाँ तक डन हो चुका हूँ। लेट से मैं यहाँ लेवल -1 तक कॉइन का डन है, कॉइन यूज कर चुका हूँ, राइट। और लेट से ये सम लेफ्ट है, ये अपने पास सम लेफ्ट जो है, लाइक अपने को अगर अपने को लेट से एक्स बनाना था और अभी तक अपना सम वाई हो चुका है, तो बचा हुआ एलिमेंट ही अपने को सम जो लेफ्ट है, बचे हुए एलिमेंट में से सम लेफ्ट अपने को क्रिएट करना है, राइट। तो मैं ये ले रहा हूँ कि सम लेफ्ट अपना डीपी ऑफ सम लेफ्ट, राइट, लेवल और सम लेफ्ट। तो ये नंबर ऑफ पेज 2 गेट सम लेफ्ट यूजिंग लेवल +1, सॉरी लेवल 2, मैं इस टाइप से डिफाइन कर रहा हूँ डीपी, लेवल 2 एन -1 जो कि टोटल नंबर ऑफ अपना कॉइंस होगा, लेवल माइनस लेवल 2 एन -1 कॉइंस, राइट। अब मेरे को जो सम लेफ्ट है, अगर मैं इससे डन हो चुका हूँ, इन दोनों का मैं यूज कर चुका हूँ और बाकी अपना बच्चा कुछ सम लेफ्ट बनाना है अपने को, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे डीपी डिफाइन कर रहा हूँ कि बाकी बचा सम है वो मैं, ये लेवल है, इसको यूज करके मेरे को सम लेफ्ट बनाना है, राइट। मैं पीछे वाले से डन हो चुका हूँ और लेवल से मेरा बचा हुआ और सम लेफ्ट क्रिएट करना है, तो ये वेज हो गया। तो अब हम ट्रांजिशन पे आते हैं, सो डीपी लेवल कॉमा सम लेफ्ट। इसमें थोड़ा आपको ध्यान भी रखना होगा क्योंकि ये ऑर्डर्ड है, इसलिए मैंने लेवल लिया, अगर ऑर्डर्ड नहीं रहता, ऑर्डर्ड इसलिए मैंने लेवल लिया, राइट, अनऑर्डर रहता तो आप समझ रहे लेवल नहीं लेना होता। अब एक मज़ेदार होने वाला है, अनबाउंडेड का यूज होगा, राइट। आप सभी अनबाउंडेड नैपसैक जानना चाह रहे थे, अब इसमें यूज होगा, राइट। सो अनबाउंडेड में क्या है कि हम वही कॉइन बार बार यूज कर सकते हैं। तो लेट से कि मैं किसी लेवल पे था, लेट से इधर मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं डन हो चुका हूँ, ये अपना लेवल है, राइट। अगर मैं इस कॉइन को यूज ही ना करूँ तो क्या हो जाएगा कि अपना सम लेफ्ट माइनस नहीं होगा, क्योंकि हमें जितना बनाना था पहले इस कॉइन का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो सम लेफ्ट ही रह जाएगा। तो अगर मैं नो यूज करूँ, नो यूज ऑफ कॉइन एट लेवल इंडेक्स, सो इसे मैं थोड़ा अच्छा करता हूँ,
तब क्या होगा वैल्यू डीपी ऑफ, मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं अगले वाले लेवल पे जाऊँगा, पीछे नहीं जाऊँगा अगले वाले लेवल पे जाऊँगा। डीपी लेवल प्लस वन कॉमा अपना सम लेफ्ट जो है वो सम लेफ्ट ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने ये कॉइन इंक्लूड नहीं किया अपने सॉल्यूशन में, इंक्लूड नहीं किया सॉल्यूशन में, तो जितना मेरे को सम पहले चाहिए उतना अभी भी चाहिए, बट अब अनबाउंडेड यूज होगा। सो यूज ऑफ कॉइन एट लेवल इंडेक्स, और अगर मैं इसे इंक्लूड करता हूँ, लेट्स से डीपी ऑफ लेवल प्लस वन यूज करता हूँ, लेट्स से लेवल प्लस वन नहीं सॉरी यहाँ मैं यूज करूँगा, तो सम लेफ्ट माइनस वैल्यू एट इंडेक्स होगा, राइट, वैल्यू सम लेफ्ट माइनस वैल्यू एट लेवल। सो अगर डीपी यहाँ पे नहीं आते हैं, अगर मैंने यूज किया तो वैल्यू माइनस, एक सेकेंड मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ भी नहीं सोचे अगर आप हम, तो अगर हमने उस कॉइन को यूज किया है तो अपना क्या बाकी बचा जो सम था उसमें से मैंने वैल्यू लेवल यूज कर लिया, तो अपने को अब बाकी अगले वाले से इतने ही बनाना है। अब अनबाउंडेड का यूज होने वाला है, जो कि यहाँ, क्योंकि यहाँ मैंने यूज नहीं किया उस कॉइन को, लेवल प्लस वन गया, राइट, बट अगर मैं इस कॉइन को यूज कर रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे मैं लेवल लिखूँ या लेवल प्लस वन लिखूँ, ये सोचना है, राइट। तो अगर मैं इसे यूज कर रहा हूँ और इसे दोबारा भी यूज कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अपने को दे रखा है कि अनबाउंडेड है, तो मैं क्या करूँगा, लेवल प्लस वन नहीं, अगर उसे मैं दोबारा से यूज कर सकता हूँ तो मैं लेवल पे ही रहूँगा, क्योंकि फिर से ये रिकर्शन लेवल पे रहा तभी कंसिडर करेगा कि अगली बार मैं इसे यूज करूँ या ना करूँ। तो ये हल्का सा आपको टॉपिक डाइजेस्ट करना होगा, ये मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, बट अनबाउंडेड का यूज यही आता है, अनबाउंडेड, क्योंकि आप अगर बार बार यूज कर सकते हैं, लेट्स से कि मैं 235 है, तो मैं जो लेवल था अपना, जो कि कॉइन नंबर बता रहा है कि मैंने एक बार यूज किया और फिर से वहीं पे हूँ, अगर मैं फिर से वहीं पे हूँ तो फिर से मैं यूज कर सकता हूँ, फिर मेरे पास दो चॉइस रहेंगे कि नो यूज या यूज करूँ, राइट। तो अगर मैंने एक बार यूज किया, मेरे को मान लीजिए एक बार यूज करना होता, तो मैं क्या करता, वन यूज, फिर अगले बार उसी कॉइन पे रहता, फिर से वन, अगली बार अगर मान लीजिए मेरे को दो बार यूज करना होता तो फिर से मैं वन यूज करता, जो कि ये वाले स्टेट में जाता, और उसके बाद नो यूज करता, राइट, नो यूज, तो मैं क्या हो जाता कि दूसरे वाले, अगले वाले लेवल पे पहुंच जाता, अगले वाले कॉइन पे पहुंच जाता, राइट। तो इससे क्या होगा कि हर केस कंसीडर होगा, कि दो बार तीन बार जितनी बार कंसीडर होना हो, जितनी बार से हम बना सकते हैं वो कंसीडर होगा। तो हमारे क्या हो रहा है कि डीपी लेवल, अब आपको समझ आ गया होगा, सम लेफ्ट से ट्रांजिशन होगा, दो ट्रांजिशन थे, डीपी लेवल प्लस वन सम लेफ्ट, जो कि हम वो कॉइन यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर डीपी लेवल सम लेफ्ट माइनस वैल्यू, जो कि अगर कॉइन की वैल्यू में देखें तो वैल्यू ऑफ लेवल, राइट। इसमें लेवल प्लस वन दूसरा केस कंसीडर क्यों नहीं किया, कि एक बार ही मैं यूज करता, डीपी लेवल प्लस वन सम लेफ्ट माइनस वैल लेफ्ट, ये क्यों यूज नहीं किया, ये आप बताइए हमें। सो एक मिनट सोचिए आप, और फिर देखिए कि मैंने ये केस क्यों अलग से नहीं लिखा, कि एक बार ही यूज करता, ये मल्टीपल का तो मैंने बता दिया, बट एक बार के लिए ये मैंने क्यों नहीं किया, राइट। तो अगर आप देखें, तो अगर मैं डी पी लेवल सम लेफ्ट माइनस वैल लेवल किया, अगर मान लीजिए इस स्टेट में जाता है पहली बार, तो लेवल पे ही रह गया, और सो अगर ये डी पी लेवल और सम लेफ्ट माइनस वैल्यू ऑफ लेवल पहली बार किया, राइट, अब अगले बार रिकर्शन में गया, लेवल पे है और सम लेफ्ट माइनस वैल लेवल है, राइट। अब क्या है, एक स्टेट है डी पी लेवल प्लस वन सम लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा, डी पी सिर्फ लेवल को लेवल प्लस वन कर देगा, और सम लेफ्ट जो था, जो कि ये वाला इस केस में, तो सम लेफ्ट माइनस वैल लेवल हो जाएगा, राइट। तो आपको रिकर्सन अब समझ में आ गया होगा, आप अगर रिकर्सन समझ में आ गया तो आप इटरेटिव वे में भी कर सकते हैं, मुझे रिकर्सिव सॉल्यूशन ज़्यादा पसंद आता है। तो अब अपने प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, तो
इसमें गिवन था कि पैलिंड्रोम आपको बताना है कि एन को, उस केस में कॉइन था, अपने को कॉइन का वैल्यू गिवन था, बट इस केस में क्या है कि अगर इसे कंसिडर करें, इसे एन को ये सम मान लेते हैं, तो और अपने को कॉइन गिवन नहीं है, कॉइन की वैल्यू गिवन नहीं है, इसके जहाँ पे क्या गिवन है कि कॉइन्स जो है अपने स्टार्टिंग से पैलिंड्रोम जितने रहेंगे वो सारे पैलिंड्रोम रहेंगे, लेट से 1, 2, 3, 4 जो 1 डिजिट होंगे तो वो पैलिंड्रोम होंगे, 8, 9, 10 पैलिंड्रोम होगा क्या, नहीं, 11, 22, 33 इस टाइप के नंबर। तो हम पहले क्या, इस केस में अपने को कॉइन्स नहीं पता है, अगर हम रिलेट करें क्वेश्चन से तो कॉइन्स की वैल्यू नहीं पता थी, तो हम प्री कैलकुलेट कर लेंगे कॉइन्स कितने हैं अपने पास, राइट। तो अब मैं कोड पे आता हूँ और कोड से अच्छे से समझते हैं। फिर रिकर्सन पे आएंगे, जो कि एन जो अपना दे रखा था उसे मैंने कर लिया, एन जो था वो है, और मॉड जो था अपना कॉन्स्टेंट इंटीजर, जीसीडी का कुछ यूज़ नहीं है, वो ऐसे ही कोड में है। अगर मैं आता हूँ तो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है कि 1, 2 लेके 1, 2, n टोटल पैलिंड्रोम कितने हैं, ये पैलिंड्रोम करने का कोड है, पैलिंड्रोम चेक करने का। इसमें मैंने क्या किया कि अगर n है, कोई सा भी एलिमेंट है, तो उसे मैंने वेक्टर फॉर्म में कर लिया, लेट से 1, 2, 5, 7 और 7, 5, 2, 1, अगर ये पैलिंड्रोम रहेगा तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है पैलिंड्रोम चेक करने का। तो ये अगर हमारा लेट से वेक्टर फॉर्म में हमने कर लिया, तो इसे रिवर्स कर दूंगा मैं, रिवर्स किया तो फिर से 1, 2, 5, 7, 7, 5, 2, 1, अब इन दोनों को चेक कर दूंगा कि सारे इंडेक्स पे एलिमेंट सेम है या नहीं, लेट से हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं रहता, 1, 2, 5, 3, 1 रहता, ऐसा रहता, तो इसका मैं रिवर्स करता 1, 3, 5, 2, 1, तो इस इंडेक्स पे तो सेम है, इस इंडेक्स पे सेम नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो ये पैलिंड्रोम चेक करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कनेक्ट करें लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे, उसके बाद मैं फ़ोन कॉल कर लूँगा आपको, तो आपको समझ आ जाएगा अगर परेशानी हो तो। मैंने यही प्री प्रोसेस में कर लिया चेक कि कितने अपने पास पैलिंड्रोम होंगे, इससे क्या पता चला अपना, अगर हम कॉइन वाले प्रॉब्लम से रिलेट करें तो हमें कॉइन की वैल्यू पता चल गई, कॉइन्स की वैल्यूज पता चल गए, राइट। अब हमारे पास, और ये मैंने एक डीपी का साइज़, क्योंकि अपने को स्टोर करवाना होता है, मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो, हम क्या स्टोर पहले से करवाते हैं और मेमोराइज करते हैं, जिससे अगर अगली बार उस स्टेट में डीपी के स्टेट में जाए तो जो हमने प्री वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है वो हमें फिर से ना कैलकुलेट करना हो, वो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, राइट। तो इसलिए, और ये 500 ही मैंने क्यों लिया, तो अगर मैं ये पैलिंड्रोम चेक किया, लाइक पहले पैलिंड्रोम चेक किया तो टोटल 498 पैलिंड्रोम है इस वजह से, तो टाइम स्पेस। और अगर हम रिकर्सिव सॉल्यूशन जो कि डीपी का है, तो डीपी की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करें, तो ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स होता है, स्टेट्स किसे कह रहा हूँ मैं, ये लेवल और एन लेफ्ट, कितना टोटल अपने स्टेट्स होंगे, ये मतलब लेवल क्रॉस एन लेफ्ट हो जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू कितना मैक्स जा सकती है, 500, और इसकी 4 × 10⁴ इंटू नंबर ऑफ ट्रांजिशन, एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशन में क्या है, या तो हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इंटू 2, तो ये हो जाएगी 4 × 10⁷, जो कि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पास करेगी। अभी मैंने एक और चीज़ नहीं बताया आपको, टी का खेल नहीं बताया कि टी भी दे रखा है अपने को, बट मैंने अभी उसे कंसिडर नहीं किया, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो अभी अपने को प्री प्रोसेस समझ में आ गया, डीपी यहाँ तक समझ में आ गया, अब हम रिकर्सन पे आते हैं। रिकर्सिव सॉल्यूशन पे आए, तो जैसा मैंने बताया कि डीपी सॉल्यूशन में अपने को दो तीन चीज़ें खास ध्यान रखनी होती हैं। अगर हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो बेस केस हो गई एक, प्रूनिंग हो गए, यह है मेमोराइजेशन कह सकते हैं आप, और यह ट्रांजिशन स्टेट हो गया, और फिर एंसर अपडेट। ये स्टेप आप एक बार लिख ही लें, क्योंकि अगर जब जब आपको रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना हो तो आप ये अगर फॉलो करते हैं, ये जो अपना सीक्वेंस है, अगर ये फॉलो करेंगे तो आपकी गलती होने के, क्योंकि रिपीटेटिव आप कोड लिखेंगे सेम टाइप से, तो आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएगी, और लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है डीबग करने में अगर रिकर्सन, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेस केस। बेस केस क्या हो जाएगा, बेस केस कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर हम
सम टोटल जो हमें बनाना था, लेट से एक्स, वो हमने क्रिएट कर लिया, तो हमें नेक्स्ट बनाने के लिए कितने सम बचे? तो जीरो सम बचे। तो अगर हमने सम क्रिएट कर लिया तो एक वे से क्रिएट कर लिया, तो इसलिए मैंने अगर एन लेफ्ट इक्वल टू जीरो है तो रिटर्न वन कर दिया, राइट। और अगर हमारा एन लेफ्ट लेस देन जीरो हो रहा है तो हम वो सम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से हमने प्रून कर दिया कि रिटर्न जीरो। अगर हमारा सम ही जो बनाना था उससे हम ज़्यादा बना रखे हैं तो उस केस में हम वो सम जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। या फिर हम क्या किया, हमने क्या किया था कि ये हमारे पास क्वाइन है, हमने सारे का यूज कर लिया, अगले वाले पे चेक कर रहे हैं किससे, बट ये हमारे पास क्वाइन है ही नहीं, राइट। तो हम अब पीछे वाले का यूज नहीं कर सकते, और हमारा अगर एन लेफ्ट बचा हुआ है, अगर हम पैलिंड्रोम डॉट साइज इस वाले पे रीच कर रहे हैं तब भी हमारे रिटर्न जीरो होगा, ये प्रूनिंग कहते हैं इसे, राइट। और ये मेमोराइजेशन का स्टैंडर्ड स्टेप है जो कि आप सभी को पता ही होगा। सो ये हमने कर लिया, और ये हमारा हो गया ट्रांजिशन। राइट, और फिर हमने ये आंसर अपडेट कर दिया, ठीक है। तो आपको रिकर्सन समझ आ गया होगा। सो अब आते हैं अपने इसमें आते हैं कि हमने टी का तो कंसीडर ही नहीं किया, राइट। इसमें मैंने एक चालाकी की है, आप लोग भी देख सकते हैं कि अगर अपने को पता है लेट से 4 × 10⁴ को नंबर तक बनाने में, अगर अपने को पता है कि 4 × 10⁴ तक नंबर बनना है, लेट से मैंने एक बार फुल टेबल मैंने क्रिएट कर लिया सारे वैल्यू के लिए कि इतने टोटल नंबर ऑफ वेट कितने होंगे, इसमें इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ये क्रिएट करने में, ये नंबर क्रिएट करने में, ये नंबर क्रिएट करने में, ये क्रिएट करने में, ये सारे क्रिएट करने में। एक बार अगर हमने टेबल क्रिएट कर लिया टोटल हर एक नंबर के लिए, राइट, तो हम क्या ऑर्डर वन में ही, राइट। एक बार हमने अगर टेबल क्रिएट कर लिया है तब हम ऑर्डर वन में बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो आंसर है वो, राइट। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा और एक मेमोराइजेशन का जो स्टेप था, तो ये क्या चेक करेगा कि ये टेबल फील्ड है या नहीं, राइट। डीपी वाली जो टेबल थी, लेट से मेरे को चेक करना है ये वाली वैल्यू, और ये चेक कर रहा है कि ये वैल्यू भी सॉरी अगर जीरो पे आते हैं तो ये वाली चेक कर रहा है कि ये वाली फील्ड थी या नहीं। अगर नहीं थी फिर रिकर्सन में जाएगा और टेबल को फिल करेगा, राइट। बट अगर ये ऑलरेडी फील्ड थी तब ये रिकर्सन में नहीं जाएगा, ऑर्डर वन में देगा, राइट। तो अगर टेस्ट केस, तो हम कितने भी टेस्ट केस हो, अगर हम एक बार टेबल फिल कर लिए हैं, फुल टेबल फिल हो गया, तो हमें दो 4 × 10⁴ स्टेट होंगे टोटल, और × 2 जो था ये, राइट। कितने भी टेस्ट केस हो, अगर हमने एक बार टेबल फिल कर लिया तो अगली बार अपने को टेबल फिल करने का ज़रूरत नहीं है, फिर ऑर्डर वन में होने लगा। बट एक बार टेबल फिल होने का टाइम लगेगा, इसलिए हमने टेस्ट केस टी के लिए नहीं किया। अगर यहाँ पे मैंने जैसा मेम सेट किया है dp-1 साइज ऑफ dp प्री प्रोसेस के बाद, तो अगर आप इसे इस केस में करते ना, यहाँ पे लाते, राइट, तब ये टी पे डिपेंड करता है, और इसीलिए मैंने सम लेफ्ट लिया, राइट। तो आप सभी को समझ आ गया होगा ये रिकर्सिव सॉल्यूशन। तो होप कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। और फाइनली मैं बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जो कि आपको गारंटी 6 मंथ में फुल स्टैक डेवलपर बनाने की गारंटी लेती है, और गारंटीड प्लेसमेंट भी 5 to 40 लाख तक की गारंटी लेती है, और उसके बाद ही आपको फ़ी पे करना होगा अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तब। आप एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप वेबसाइट विजिट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।